वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो डिस्कशन है इस वीडियो में वो ब्लॉक शेयर फेलियर के ऊपर है। ब्लॉक शेयर फेलियर, ये हमारे पास एक गसेट प्लेट है और इसके साथ है हमारे पास एक कनेक्टिंग प्लेट। इस गसेट प्लेट के ऊपर किसी तरह के मेंबर्स कनेक्ट होंगे, कुछ इस तरह से कि ये बोल्ट से यहाँ पर जुड़े हैं। हमने माना कि ये 1, 2, 3 और 4 बोल्ट्स इस गसेट प्लेट की को जोड़ रहे हैं इस कनेक्टिंग प्लेट से। अब इनका ब्लॉक शेयर फेलियर हमें देखना है वो कैसा होगा। ब्लॉक शेयर फेलियर कुछ इस तरह से होगा कि इस मटेरियल का पूरा एक ब्लॉक उखड़ के बाहर आ जाएगा, वो भी कहाँ से, बोल्टेड एरिया से। अगर इस जॉइंट का ब्लॉक शेयर फेलियर होना है तो वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ से कोई क्रैक डेवलप होगा, ये बोल्टेड रीजन से बाहर कर देगा हमारे जॉइंट को। जॉइंट का ब्लॉक शेयर फेलियर कुछ इस तरीके से होगा कि पूरा का पूरा एक ब्लॉक बोल्टेड सेक्शन से उखड़ के बाहर आ जाएगा, यानी बोल्ट्स भी क्रैक होंगे और सेक्शन भी क्रैक होगा और वो निकल के अलग हो जाएगा। यहाँ आप देखते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ से फेलियर स्टार्ट हुआ और ये चलते चलते बोल्ट्स को क्रैक करता हुआ ये सेक्शन अलग हो गया। ये आप दूसरी फिगर्स में भी देख पाएंगे, इस तरह से सेक्शन में से एक ब्लॉक का अलग हो जाना, इसे ब्लॉक शीयर फेलियर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे अगर ये सेक्शन जो कि पहले कुछ ऐसा था वो इस जगह से ना क्रैक हो गए, कुछ इधर से क्रैक होता, कुछ यहाँ से लाइनिंग बनती और यहाँ से कोई मटेरियल का ब्लॉक अलग हो जाता, तो उसको हम ब्लॉक शीयर फेलियर के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि ब्लॉक शीयर फेलियर के अंदर सिर्फ वही पार्ट काउंट होता है जिसमें बोल्ट्स का फेलियर हो साथ एक ब्लॉक के जो जॉइंट में यूज़ हो रहा है। अगर माना जाए कि यहाँ से ऐसे देखें कोई ब्लॉक यहाँ से अलग हो जाता या यहाँ से भी अलग हो जाता लेकिन बोल्ट का कोई फेलियर ना हो, तो उसे हम ब्लॉक शेयर फेलियर के अंडर काउंट नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा टॉपिक की थ्योरी की तरफ देखते हैं। ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ अ जॉइंट इज अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया ब्रेक्स अवे फ्रॉम द रिमेनिंग एरिया। कोई एक बोल्टेड एरिया में से कोई एक ब्लॉक उस जॉइंट का अलग हो जाएगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इंक्रीजेज इफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स आर यूज एंड फ्यूअर इन नंबर। अगर हम हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का यूज़ करते हैं और वो जितने नंबर में होने चाहिए उससे कम है या फिर एक्चुअल में ही उनका नंबर कम आ रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ब्लॉक शेयर फेलियर उस जॉइंट का होगा। अगर बोल्ट्स कम डिस्टेंस पे प्लेस हैं, एंड डिस्टेंस या सही डिस्टेंस पे नहीं है, तो हो सकता है प्लेट का शेयरिंग आउट हो जाए जिस वजह से ब्लॉक शेयर फेलियर जल्दी हो। इन ब्लॉक शेयर फेलियर देर इज़ अ शेयर ऑन वन प्लेन एंड टेंशन ऑन परपेंडिकुलर प्लेन विच लीड्स टू द फॉल ऑफ पोर्शन ऑफ प्लेट। आप देखेंगे कि किसी एक प्लेन पर टेंशन होगा और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर शीयर लग रहा होगा, तभी चांसेस बनते हैं कि किसी भी जॉइंट का ब्लॉक शीयर फेलियर होगा। अच्छा, फेलियर के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ से फेलियर हो सकता है फेलियर कुछ दो बोल्ट्स में से हो, या अलग अलग केसेस बहुत सारे बन सकते हैं फेलियर के। ये डायग्राम आप बना सकते हैं और इसकी थ्योरी एग्ज़ाम में अगर आए तो लिख सकते हैं। इसकी PDF हमारे लिंक पर अवेलेबल होगी और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।